तो अगर आप जो है लैपटॉप के बिगिनिंग कोर्स करना चाहते हैं, बिगिनिंग से अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, एक न्यू लैपटॉप ले हैं या फिर लेना चाहते हैं बट वो आप कभी यूज नहीं किए हैं, आपको जो है या फिर कंप्यूटर के बारे में कोई भी चीज मालूम नहीं है, तो मैं आपको जो है इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप जो है बिगिनिंग से आप जो है कैसे शुरुआत से शुरू कर सकते हैं लैपटॉप को यूज करना। इससे पहले मैं जो एक वीडियो अपलोड कर चुका था वो पार्ट वन था, ये जो है पार्ट टू है। अगर आप वो वीडियोस को नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, या फिर इस वीडियोस के लास्ट में मैं भी दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो इस वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा, तो आपको वो भी जरूर देखना चाहिए अगर आप लैपटॉप को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर और भी इसी तरह वीडियोस आपको चाहिए तो इस वीडियोस के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक करना ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप देखे उससे कुछ सीख सके। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियोज को हम जो है शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो है पहले जानते हैं कि हम जो है कोई भी वीडियोस को कैसे ओपन करते हैं। वहां पे ले जाना पड़ेगा जहां पे लिखा हुआ रहेगा दिस पीसी, वहां पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वहां पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे वहां से जो है आपका वीडियो जो है चलना शुरू हो जाएगा। ओके दोस्तों कैसे है मैं आपको बता, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पास ये वीडियो है आ गया है। ओके यहाँ से जो है मैं जो ऑन करता हूँ तो ऑन हो रहा है। तो दोस्तों इसको ये करना क्या है, अगर आप जो है इस वीडियोस को बड़ा छोटा करोगे तो यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे या फिर ऊपर की ओर यहाँ पे आपको जो है एक आइकन मिलेगा, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे फुल डिस्प्ले में आ जाएगा। ओके अगर आपको इसको छोटा करना है तो यहीं पे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। एक बार जो है छोटा हो गया, उससे भी ज्यादा छोटा करना है तो फिर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, इतना छोटा हो जाएगा। यहाँ पे जो है कर्सर आपको ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको जो है पकड़ के रखना पड़ेगा। यहाँ पे जिस साइड आप लेके जाओगे, जिस साइड में ले जाके छोड़ना चाहते हैं वहां पे रख देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, वहां से जो वीडियो चलेगा। अगर आपको जो इस वीडियो इसी जो है वीडियोस को लंबा करना है तो यहाँ पे आपको कर्सर ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल तीर का जो निशान आ रहा है, यहाँ पे जो आपका माउस का पॉइंट जो है वो उंगली रख के आपको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से इसको बड़ा छोटा करते हैं तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट में ले जाना पड़ेगा जो दोनों तरफ जो है तीर का निशान आएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप इसको जो है ऊपर की ओर बड़ा छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको इससे भी ज्यादा छोटा करना है तो उसी तरह फिर इसी तरह करके आप जो है इससे छोटा कर सकते हैं या फिर इसी तरह आप जो है बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके पकड़ के आपको किसी भी साइड ले जाके रख सकते हैं और दूसरा भी वीडियो जो प्ले कर सकते हैं। फिर अगर आपको वीडियोस को कट करना है तो यहाँ से आप वीडियोस को कट कीजिए, कट करने के बाद यहाँ पे जो आएगा ऊपर की ओर लोगो, यहाँ पे आइकन जो है यहाँ पे कटिंग वाला, वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो है जो वीडियोज का जो फाइल था वो ऑफ हो जाएगा। पीसी जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है या फिर अपडेट मांग रहा है या फिर कोई भी अगर यूट्यूब कोई भी एप्स आप यूज करते हैं नेट से जोड़ के ऑन करते हैं तो उसमें जो है होता क्या बहुत स्लो चल रहा है या फिर ऑन ही नहीं हो रहा, तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, अपडेट मांगना पड़ेगा अगर आप न्यू पीसी लिए हैं या फिर पुराना हो चुका है। तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर ले जाना पड़ेगा, विंडो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा। एक बार जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो इस तरह पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे है देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग, तो इस जगह सेटिंग में आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज अपडेट, यहाँ पे विंडोज जो है मेरा अपडेट होने के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे एक बार जो है क्लिक कर दोगे तो जैसे इस तरह क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट होना के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे रिज्यूम में जो है स्टॉप करके रखा हूँ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये अपडेट होना जो है शुरू हो जाएगा। तो अपडेट जो है कुछ ज्यादा एमबी ले सकता है आपका जो है 3GB 4GB या 5GB तक जो है आपका एमबी जो है वो ले सकता है, तो आपको अपडेट अगर मानना है तो 2-3 जो है आपको सिम का जो है एमबी जो है आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, तभी जो है ये पूरा जो जितना भी सेटिंग मांग रहा है सब अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने से रजिस्टर हो जाएगा या फिर दोबारा ऑन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद पीसी आपको 100% जो है तेज चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में। तो नेक्स्ट सेटिंग है क्या दोस्तों, अगर आपका पीसी जो है आप लैपटॉप लिए हैं उसमें जो इंटरनेट कनेक्शन करना चाहते हैं, अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा जो है आइकन है, यहाँ पे आपको जो है वाईफाई का जो है लोगो मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह पेज जो है ओपन होके आ जाएगा आपका फोन का।
आपका फोन का जो है डाटा को ऑन कर देना है, उसमें जो हॉटस्पॉट जो डाटा है उसको भी ऑन कर देना है। ओके, जैसे ही ये जो क्लिक करोगे इस तरह पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा कनेक्ट करने के लिए। जैसे ही कनेक्ट में क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो है पासवर्ड, आपका फोन का जो पासवर्ड है जो वाईफाई में लगा के रखे हैं, वो पासवर्ड जैसे ही डालोगे उसका कनेक्ट करोगे वो जो है कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप जो है आप कनेक्ट से हटाना चाहते हो तो यहाँ से जो है यहाँ पे देख सकते हैं डिसकनेक्ट में, जैसे ही क्लिक करोगे वो जो है वाईफाई कनेक्शन जो है छूट जाएगा। ओके, और जो है नेट नहीं चलेगा। और जैसे ही आप जो है वो जो फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे जो ये पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद जो है पासवर्ड डालोगे, नेट जो है कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी जो है यूट्यूब जो है आप जो है क्रोम ब्राउजर में जाके ओपन कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन वीडियोज देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो अगर आपको जो है पीसी में अपना जो है लैपटॉप में नया फोल्डर बनाना है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इस जगह जो है यहाँ पे जो है मेरा ये जो है सारे फोल्डर है। यहाँ पे अगर आप और भी अगर कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना सारा ये जो है फाइल है। यहाँ पे अगर आपको न्यू कोई फाइल रखना है आपको जो है टेक्स्ट के लिए या फिर कोई फोटोज वीडियोस कुछ भी रखने के लिए, तो यहाँ पे आया न्यू फोल्डर। यहाँ पे ऊपर की ओर देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपको ये जो है डिलीट करके जो भी फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख के साइड में जो है सिर्फ टच कर देना है, ये जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह करके सेव हो जाएगा। इसको ओपन करके आप इसमें भी कुछ भी जो है आप जो जिसके लिए फाइल बनाए हैं वो रख सकते हैं। तो अगर आपको जो है इस तरह न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ओके, अगर आपको जो है रखना है इस तरह कुछ जो है कुछ भी डाटा आप जो है लिख के रखना चाहते हैं तो कैसे लिख के रख सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वही जो है यहाँ पे पीसी में आपको आना पड़ेगा। पीसी में आने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट जो आएगा आपके सामने कुछ इस तरह करके, ओके, कुछ इस तरह करके आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है, डबल क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको आ जाना है न्यू आइटम्स, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की ओर न्यू आइटम्स में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे नीचे की ओर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह आएगा। अगर कुछ आप नाम देना चाहते हैं तो इसको रिमूव करके नाम दे सकते हैं, वरना फिर बाहर में किसी कहीं पे आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो है पेज जो है आपको शॉर्ट कर लेना है, छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद दोस्तों ये जो पेज आपका आ गया है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको आपको प्रेस कर लेना है। प्रेस करके यहाँ पे बाहर में कहीं पे भी ले जाके आपको छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ोगे यहाँ पे रिप्लेस आ रहा है मेरा, क्योंकि मेरा जो है ऑलरेडी है। यहाँ पे आप नाम चेंज करके कोई दूसरा नाम दे के अगर दे दोगे तो यहाँ पे जो है वो दोबारा आपसे फिर आ जाएगा। यहाँ अगर आप जो है इस टेक्स्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा चाहते हैं तो उसी टेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। एक बार जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह करके डबल क्लिक करना पड़ेगा जल्दी जल्दी से। ओके, जैसे ही दोस्तों जल्दी डबल क्लिक करोगे आप, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह करके जो आ जाएगा कर्सर यहाँ पे नाम जो है हटाने के लिए। तो यहाँ से आप भी हटा सकते हैं, कुछ भी नाम दे के साइड में कहीं पे भी क्लिक कीजिए, ये जो है सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद इसको जो है क्लिक करके डबल क्लिक करके आपको जो है प्रेस करके लेके आना पड़ेगा बाहर की ओर। यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करके तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है लेके आ गए हैं। इसको अगर दोबारा यहाँ से लाके रख सकते हैं, यहाँ पे ले आके छोड़ सकते हैं, या फिर इसको दोबारा फिर यहाँ से लाके आप जो है रख सकते हैं। इसको अगर फिर से आपको हटाना है, रिमूव कर देना है, तो आपको राइट वाला माउस का जो राइट वाला बटन है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो इस तरह मेन्यू ओपन होके आ जाएगा, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट। डिलीट में आपको जैसे ही क्लिक करोगे ये जो है डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। कोई भी एप्स जो है यहाँ से जो है कोई भी एप्स जो हम अपने लैपटॉप में न्यू लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करते हैं, इस पे जो आपको हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं या फिर साइड कर सकते हैं। इस तरह अगर कहीं पे ले आके छोड़ सकते हैं। अगर आपको मिनिमाइज करना है, हटाना नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करो ये जो है हट जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, ये मिनिमाइज हो गया, ये जो है पूरा तरीके से नहीं हटा है। अगर आपको इस पेज को हटाना है या फिर किसी साइड की ओर ले जाना है आपको, तो यहाँ पे ले जा सकते हैं। अगर हटाना है यहाँ पे जो है ये जो है सिंबल है, अगर आपको इस पे करने में तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की ओर ये जो है आके बैठ जाएगा, ये जो है पूरा तरीके से हटेगा नहीं। पूरा तरीके से हटाने के लिए यहाँ पे जो है कर्सर जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये जो है पूरा तरीके से हट जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी एप्स, न्यू एप्स हम जो है अपने लैपटॉप में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये जो है क्रोम ब्राउजर में आपको जो है डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे डबल क्लिक करोगे ये जो है ओपन होके यहाँ पे आ जाएगा।
तो देख सकते हैं आपके सामने जो इस तरह कुछ जो है आ गया है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज आपको लिखना है, कोई भी चीज आप जो है जो एप्स डाउनलोड करना चाहते हैं उस एप्स का आपको नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो जो है यहाँ पे आपके सामने जो है आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा फेसबुक, ओके, आपको जो भी करना है उसके बाद जो है डाउनलोड लिख देना है। जैसे ही डाउनलोड लिखोगे आपके सामने जो इस तरह कुछ जो है मेनू आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड लाइट फ्री एंड्रॉइड के लिए है, ओके। आप जो है अपने जो अगर पीसी के लिए लेना चाहते हैं तो आपको जो है पीसी वर्जन जो है आपको लिख देना है, वो जो है क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो हम जो है यहाँ से कोई भी ज्यादातर एप्स आपको यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे जो है साइड में जो है क्लिक करना है इस जगह। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो इस तरह बार हो जाएगा माइक्रो, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा तभी जो है आप जो है कोई भी एप्स जो है अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट नहीं बनाते हैं तो उस जगह जिस जगह मैं जो है बता दिया हूँ वहां से आप जो है क्रम में जाके डायरेक्ट जो है आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे जो इतना सारा एप्स देख सकते हैं तो यहाँ पे आपका पीसी में जो है जब न्यू लेते हैं बहुत सारा एप्स जो है डाउनलोड किया हुआ रहता है तो आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट बटन में आपको विंडोज में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे एप्स आपको जो है देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। जो है कैमरा हो गया, कैलकुलेटर हो गया और भी काफी सारा जो है सॉफ्टवेयर है यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ रहता है। अगर आपको अगर कोई जो है पेंटिंग होता है वो अगर पेंट बॉक्स आपको खोजना है तो वो भी यहाँ से जो है आप जो है टाइप करके जो है खोज सकते हैं। जैसे आपको नीचे बॉक्स, नीचे वाला बॉक्स में आपको सर्च मारोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आ गया है पेंट, देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है कोई भी आप जो है डायग्राम जो है यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं, कुछ भी जो है आप बना सकते हैं। ये जो है एप्स आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ता है, ये जो है ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ रहता है। जिस वक्त आप खरीदते हैं उसी वक्त जो है ये जो है डाउनलोड किया हुआ रहता है तो डाउनलोड कर देता है। अगर आपको दोस्तों इस एप्स को अगर यहाँ से निकालना है तो आप जो है कैसे निकाल सकते हैं, आपको ले जाना पड़ेगा यहीं पे जो है विंडोज स्टार्ट बटन, यहाँ से कोई सा भी जितना सारा एप्स है ये सारे को आप जो है बाहर की ओर जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इस तरह आप जो है लेके आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अगर हमको मान लेते हैं कि ये जो है ले जाना पड़ेगा या फिर क्रोम ब्राउजर ले जाना पड़ेगा तो इसको आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करके इस तरह जो है लेके जाओगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाहर में ले जाके छोड़ देना है। ये जैसे ही छोड़ोगे ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है, ओके। तो आप इसको फिर से हटाना, मेरा एक तो यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पे भी आ गया है। आप जितना बार भी लेके आओगे आ जाएगा बट वो जो है ओरिजिनल वाला वहां पे जो है सेव होके रह जाएगा। इसको अगर आपको हटाना है तो राइट वाला बटन क्लिक करना है, राइट वाला बटन क्लिक करके यहाँ पे डिलीट आ रहा है, डिलीट में आपको जो है जैसे ही टच करोगे ये जो है हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम जो है यहाँ पे जो है शुरू में आपका लैपटॉप में जो है फोटो कैसे लगाया जाता है, लॉक कैसे लगाया जाता है, इसका जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और जो है वीडियोस के लास्ट में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आई वाला बटन में, तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए, आपको काफी कुछ जो है सीख सकते हैं। तो दोस्तों और भी अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, दोनों वीडियो आप देख लीजिए। अगर न्यू लैपटॉप लिए हैं, अगर आप जो है लैपटॉप के बारे में नहीं जानते हैं तो काफी कुछ सीख सकते हैं। मैं अगला वीडियो भी लाऊंगा, कोशिश करूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर लेना, वीडियोज को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।